अगर आप भी सहारा इंडिया रिफंड 2024 चाहने वाले निवेशकों में से एक हैं तो सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट 2024 जारी कर दी गई है, जो रिफंड प्रक्रिया में एक अहम कदम है। कंपनी ने रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए निवेशकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस वीडियो में हम आपको सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट चेक करने और चरणों के बारे में बताएंगे और रिफंड आवेदन प्रक्रिया के बारे में जरूरी जानकारी देंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपका नाम सहारा इंडिया रिफंड 2024 लिस्ट में शामिल है। आपको आवेदन करना होगा और ये आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड। यदि निवेश की गई राशि 50,000 रुपये से अधिक है तो आवश्यक है पैन कार्ड। सहकारी समिति का विवरण, समिति की सदस्यता संख्या, निवेश की प्राप्ति का प्रमाण और जमा का प्रमाण। सहारा रिफंड के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स का पालन करें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ये जो वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर जाएं। वेबसाइट पर डिपॉजिटर रजिस्ट्रेशन विकल्प पर क्लिक करें। अपने आधार नंबर और अपने मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। कैप्चा कोड भरें और गेट ओटीपी पर क्लिक करें। अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और पंजीकरण पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें। अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है तो आप सहारा रिफंड पोर्टल सबमिशन फॉर्म 2024 के लिए अस्वीकृत आवेदन को फिर से जमा करने के लिए इन चरणों का पालन करें। सहारा रिफंड पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट जो आपकी स्क्रीन पर है उसके होम पेज पर जाएं। रिसबमिशन लॉगिन न्यू लेबल वाले विकल्प को देखें और उस पर क्लिक करें। आपको एक लॉगिन पेज पर निर्देशित किया जाएगा जहां आपको आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। ओटीपी से सत्यापित करने के बाद लॉगिन प्रक्रिया पूरी करें। लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। बताए गए प्रत्येक चरण का पालन करते हुए आवेदन पत्र को ध्यान से भरें। निर्देशकों के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करें और अपलोड करें। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए दी गई जानकारी की समीक्षा करें। अंत में सबमिशन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट करने के बाद आपको अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। इसे अपने रिकॉर्ड के लिए प्रिंट या सेव कर जरूर रखें। सहारा इंडिया रिफंड 2024 आखिर कब मिलेगा? आपका पैसा आपको आखिर कब मिलेगा? ये सबके मन में सवाल है, उसका भी जवाब है। सहारा इंडिया कंपनी की ओर से जारी पहली किस्त में 10,000 रुपये निवेश करने वाले निवेशकों को पैसे वापस किए गए। अगर आपने इससे ज़्यादा रकम निवेश की है तो चिंता न करें, क्योंकि रिफंड की रकम धीरे धीरे बढ़कर 20,000 रुपये तक के निवेश को शामिल कर ली जाएगी। फिलहाल सहारा इंडिया रिफंड प्रक्रिया का दूसरा चरण चल रहा है। 20,000 रुपये या इससे कम निवेश करने वालों को रिफंड दिया जा रहा है। हालांकि अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा निवेश किया है आपने तो आपको थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दूसरा चरण पूरा होते ही तीसरा चरण भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। तीसरा चरण शुरू होने से पहले जिन निवेशकों के आवेदन में पहले और दूसरे चरण में गलतियां थी उन्हें रिफंड मिल जाएगा। इसकी सुविधा के लिए सरकार की ओर से रिफंड पोर्टल के साथ ही रिसबमिशन पोर्टल भी शुरू किया गया है। इस पोर्टल का इस्तेमाल कर वंचित निवेशक अपने आवेदन में सुधार कर दोबारा सहारा इंडिया रिफंड 2024 के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी के लिए सहारा की न्यूज़ में इतना ही। अगर आगे कोई भी अपडेट आता है तो वो आपको हम खबर विभाग के ज़रिए ज़रूर देंगे। इसलिए खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा सहारा को लेकर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।